गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सब्जेक्ट में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ज़ीरो बेस बजटिंग। आज इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड इज टर्म्ड एज अ ज़ीरो बेस बजटिंग। एंड द ज़ीरो बेस बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ज़ीरो बेस एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। देखिए क्या होता है, ज़ीरो बेस बजटिंग बजटिंग की एक मेथड है, या ये कहा जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, उन्हीं में एक टूल के रूप में ज़ीरो बेस बजटिंग को लाया गया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हर साल फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल ज़ीरो बेस से स्टार्ट किया जाएगा। किसी भी एक्सपेंसेस को इसलिए अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो पास्ट में हुआ है। हर बार एक्सपेंसेस के लिए जो बजट बनाया जा रहा है या जो खर्चों को एस्टिमेट किया जा रहा है, उसकी रैशनैलिटी को, उसके औचित्य को, उसके लॉजिक को चेक किया जाएगा। जब लॉजिक सही होगा तो उसको टॉप अथॉरिटीज़ परमिट कर देंगी। तो ज़ीरो बेस बजटिंग बेसिकली क्या है, हर साल नए सिरे से बजट के बारे में प्लान करना, उन खर्चों का जो उससे एसोसिएटेड हैं उनके बारे में एस्टिमेशन करना, और इस आधार पर एस्टिमेशन नहीं करना कि लास्ट में खर्चा हुआ तो इस साल भी होगा, नहीं, हर बार उसके रैशनल को चेक करना, क्या ये खर्चा ज़रूरी है, क्या ये प्लानिंग का पार्ट है, क्या इससे कंपनी को फ़ायदा होगा, क्या इससे इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होगा, बिजनेस को फ़ायदा होगा। इफ़ यस पॉजिटिव अफर्मेशन है, पॉजिटिव आंसर है, तो उस बजट को सैंक्शन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस किया जाएगा। मतलब ज़ीरो बेस बजटिंग हर साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इस बात को तय किया जाता है कि केवल लास्ट ईयर में हमने इसको सैंक्शन कर दिया था तो इस साल भी सैंक्शन हो जाएगा। ये क्राइटेरिया ज़ीरो बेस बजट में नहीं होता है। दूसरी बात, ज़ीरो बेस बजट ट्रेडिशनल बजट से ऐसे डिफरेंट है कि ट्रेडिशनल बजट जो अकाउंटिंग ओरिएंटेड है, ज़ीरो बेस बजट जो है वो डिसीजन ओरिएंटेड है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर पे फोकस है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को, ज़ीरो बेस में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर फोकस है। तो कोई पूछे आपसे कि ज़ीरो बेस बजटिंग का मेजर मोटिव क्या है, तो ये डिसीजन ओरिएंटेड है, दूसरा ये अचीवमेंट ओरिएंटेड है। अच्छा, इसके अलावा इसकी और क्या ब्यूटी है, जो ट्रेडिशनल बजट होते हैं वो एक्सपेंसेस पे ही फोकस करते हैं कि वो घटे या बढ़े, लेकिन जो मॉडर्न स्टाइल का ज़ीरो बेस बजटिंग है वो एम्फेसाइज करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, वो एनालिसिस जिसमें ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर एक्ट या इवेंट के बाद उससे मिलने वाले बेनिफिट उसकी कॉस्ट के मुकाबले क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो केवल प्रॉफिटेबिलिटी ही क्राइटेरिया नहीं होता, अगर कोई सोशल फैक्टर भी है और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो उसको भी क्या किया जाता है, परमिट किया जाता है। बेसिकली ट्रेडिशनल बजट वर्टिकल कम्युनिकेशन बेस्ड है और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को कनेक्ट करता है। तो लेट मी रिपीट अगेन, ज़ीरो बेस बजटिंग जो बेसिकली है वो फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से शुरुआत करता है, किसी भी खर्चे या किसी भी प्लानिंग के लिए उसके रैशनल को, उसके लॉजिक को चेक किया जाता है, वेदर दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज़ नेसेसरी और वाइटल और इसेंशियल, इफ़ इट इज़ सो देन मैनेजमेंट विल परमिट एंड द अथॉरिटीज़ सेंक्शन द पर्टिकुलर अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो बेस बजटिंग। एंड एज फार एज द ज़ीरो बेस बजटिंग इज़ कंसर्न, इट इज़ हैविंग डिसीजन ओरिएंटेड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, ऑल्सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को भी इसमें चेक किया जाता है। देखिए प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए, अपने ऑपरेशनल एरिया को डिसाइड कीजिए, डिसीजन से रिलेटेड स्टेप्स को लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए और कंसर्निंग बजट को फाइनलाइज कीजिए। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो ज़ीरो बेस बजटिंग की क्या है, ये क्या करता है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज करने की तरफ ले जाता है, क्योंकि ज़ीरो बेस बजटिंग ये फोकस करता है कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रोका जाए, जो बेकार का आउटफ्लो हो रहा है कैश का उसको अवॉइड किया जाए। ये मैनेजर्स को भी ड्राइव करता है, मतलब उनको मोटिवेट करता है कि वो बहुत अच्छे तरह से ऑपरेशन करें, ऑपरेशन मतलब एक्टिविटीज़ बिजनेस की पूरी कंडक्ट करें। इसके अलावा ये स्टाफ को मोटिवेट करता है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। देखिए ज़ीरो बेस बजटिंग में जैसा कि आपको पता है हर तरह से तीन तरह के स्टेप्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, इससे टीम स्पिरिट बढ़ती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सुना जाता है।
तो क्या होता है कि जब सबकी सुनवाई होती है, सबकी बातों को रखा जाता है और उसके बाद चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाता है, तो वर्कर्स में और स्टाफ में, साथ में टॉप मैनेजमेंट में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स आती हैं। साथ ही इस तरह के बजट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? चूँकि ये बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, तो ये बड़े बिजनेस हाउस के लिए तो उचित है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस इसको कर नहीं पाते हैं। दूसरा एक और है कि टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरी एक खास बात जीरो बेस्ड बजटिंग की यह है कि एस्टिमेट एग्जैक्ट लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और खास बात यह है कि इंटीग्रिटी या ईमानदारी मैनेजर्स में जब तक नहीं होगी, तब तक जीरो बेस्ड बजट सफल नहीं होगा। तो इसकी सफलता बहुत कुछ किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड ना होकर सभी पर होती है जो टीम में काम कर रहे हैं। अगर डिसऑनेस्टी की बात आ जाएगी तो ये अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा। देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ भी मैं ले जाऊंगा, फिर बाद में कंक्लूजन पढ़ाऊंगा। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि पीटर फेरी, जिसने ज़ीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम को इनिशिएट किया, और 1962 में, जिनको फादर ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक्स भी बोला जाता है, और अगर बहुत फर्दर हिस्ट्री में जाएं तो 1924 से ये चला आ रहा है। इन 1962 US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एडॉप्टेड ग्राउंड अप सिस्टम ऑफ बजटिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फॉर्मल यूज़ ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इन US गवर्नमेंट। तो हिस्ट्री को भी आप देखिएगा, 1924 से चला आ रहा है। फिर इसके फादर कौन हैं? पीटर फेरे हैं। फिर उसके बाद 1962 में इसका हिस्टोरिकल है। अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो मैंने आपको बताइए कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हर चीज़ की स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश करना। फ्रॉम फ्रेश करने का मतलब ये हो गया कि हमें हर साल जो भी बजट बनाना है उसके रैशनल को लाना होगा। मैनेजमेंट तभी उस बजट को बनाने की और उसके अमाउंट की परमिशन देगा जब वो बजट अपनी ऑब्जेक्टिविटी या यूटिलिटी को प्रूव करता है। केवल ये आधार के लास्ट ईयर ये बजट बना था, ये अमाउंट सेंक्शन हुआ था, इस साल भी कर दिया जाए, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसी के साथ एक और बजट बहुत फिनोमिना में चलता है, परफॉर्मेंस बजट, वो भी पढ़िएगा आप। परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है कि स्टैंडर्ड टास्क दे दिए जाते हैं और उसको एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। जो परफॉर्मेंस आपका पॉजिटिव रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर वो वेरियांस ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो मैनेजर्स और पर्टिकुलर टीम के हेड को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बजट हो या जीरो बेस बजट हो, ये कुल मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल हैं जो मैनेजर्स को हथियार के रूप में यूज़ करने में मदद करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल और कर्व द कॉस्ट सो दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन अ मैक्सिमम ऑप्टिमम वे। आई होप ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मैं इंडिया के रेफरेंस में भी हिस्ट्री बता दूँ। इंडिया में 1983 में जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन ईयर पर्टिकुलर 1983। और थोड़ा सा आप जाएंगे तो इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 एज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर बजट। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज टू रिव्यू देयर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एक्सपेंडिचर बजट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। भारत सरकार ने भी जीरो बेस्ड बजटिंग को मान्यता दी 1986 में, ये कहते हुए कि जितने भी खर्चों के बजट हैं उन पर इसको लागू किया जाए। बात वहीं पर आकर रुक गई कि खर्चों पर, इसलिए क्योंकि आपको कोई भी बजट को सेंक्शन करते समय या बनाते समय उसके रैशनल को चेक करना होगा ताकि कॉस्ट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। 1986 में उस समय के जो लीडर थे राजीव गांधी, बहुत ईगर थे, 21st सेंचुरी के हिसाब से उन्होंने सोचा था कि अडॉप्ट किया जाए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को, और एंड ट्राइड टू इम्प्लीमेंट ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, फिर इसके बाद और हिस्टोरिकल है। जीरो बेस्ड बजटिंग वाज लेटर एम्फेसिस इन 7th 5-year plan 1988 से 93 तक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्ड एंड यूज इट एज अ डेवलपमेंट बेस्ड बजट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीरो बेस बजट को नए बजट डेवलपमेंट बेस बजट के नाम से लॉन्च किया। तो अगर हिस्टोरिकल में जाते हैं भारत के रेफरेंस में, तो 1983 की इरा में, 1986 की इरा में, 7th 5-year plan में इसको लागू किया गया। फिर 1986 में राजीव गांधी जी का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं जिन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री में इसको रेकमेंड किया। इसके अलावा आप नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जाते हैं तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि कौन है फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग, पीटर फेरे, जिन्होंने इसको लॉन्च किया। फिर यूएस की हिस्ट्री भी आप इसमें डाल सकते हैं। बेसिक कंक्लूजन क्या है?
देखिए इसका बेसिक कंक्लूजन ये है कि देयरफॉर इट इज़ कंक्लूडेड दैट जीरो बेस्ड बजट इज़ अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, एक क्रांतिकारी कदम है, नया बिल्कुल इनोवेटिव एंड इज़ रिलेटिवली अ न्यू मैनेजमेंट टूल, और एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट टूल है नया जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के काम आता है। इट इन्वॉल्व्स पीपल एट ऑल लेवल, ये सभी तरह के लेवल के लोगों को, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में स्ट्रेटजी बनती है, मिडिल लेवल में टैक्टिकल डिसीजन होता है और लोअर लेवल में ऑपरेशनल डिसीजन होता है। सभी तरह के लेवल के लोगों को ये शामिल करता है और एक तरह से ये टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है। तो नटशेल में मैं बोलूँ, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बेसिकली है क्या? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो इस बात को एश्योर करता है कि हर साल जो भी खर्चे किए जाएंगे या जो एस्टिमेट बनेगा वो इस बेस पे बनेगा कि ये खर्चे इसेंशियल है, मस्ट हैं, वाइटल हैं और इनको किए बिना आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मतलब ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को क्या करता है, कर्ब करता है। आई होप आपको ये पूरी बेसिक फिनोमिना क्लियर हुई होगी। साथ ही इसमें ये भी लिख के आइएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो टूल्स हैं उसमें इसके साथ एक और टूल भी यूज़ होता है, परफॉर्मेंस बजटिंग, जिसमें वही फिलॉसफी इसमें भी है कि परफॉर्मेंस बजटिंग में ये कर दिया जाता है कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या यूनिट हेड को कह दिया जाता है कि भाई आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं, आपको स्टैंडर्ड दे दिए हैं, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड या बजटेड परफॉर्मेंस से चेक किया जाएगा। इफ़ इट इज़ गुड देन गो हैड, और अगर नहीं है तो आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। बेसिकली परफॉर्मेंस बजटिंग हो या जीरो बेस बजटिंग, सभी का कॉमन उद्देश्य है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर को क्या करना, कर्व करना, रोकना और अपने फंड्स का सही डिप्लॉयमेंट करना, खर्चों पर रोक लगाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज़ करें। आपको जैसा कि पता होगा, कई बार कुछ चीज़ों के लिए बहुत एक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर कर दिए जाते हैं जिसके कारण इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ जाती है। इन सब चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए ज़ीरो बेस बजटिंग को लाया गया। स्पेशली इंडिया में इसको एक्सपेंडिचर बजट्स में बहुत ज़्यादा लागू किया जाता है। सरकार कोशिश करती है कि एक सीमा के बाहर खर्चों को रोका जाए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है उनको कर्ब किया जाए, रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ज़ीरो बेस बजटिंग का यही है कि हर साल बजट बनाया जाता है, एस्टिमेट बनाया जाता है, सबको शामिल किया जाता है, टारगेट सेट किए जाते हैं, अमाउंट सेट किया जाता है और फिर उसके रैशनल को भी बताया जाता है कि ये खर्चा बिजनेस के लिए इसेंशियल है, वाइटल है, डिज़ायरेबल है और अगर वो ये सारे पैरामीटर्स पूरे करता है तो उस बजट को सेंक्शन किया जाता है, गोहेड किया जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मैनेजमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल प्रोवाइड करता है एक्सेस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आई होप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको क्लियर हुआ होगा। हिस्ट्री आप US की दे दीजिएगा, पीटर फेरे का नाम दे दीजिएगा, इंडिया में 1983-86 का रेफरेंस दे दीजिएगा, फिर मिलिट्री का रेफरेंस दे दीजिएगा, मिलिट्री में या डिफेंस इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया गया, 7th 5-year plan में यूज़ किया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ने इसको डेवलपमेंट बजट के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये सब चीज़ें आप कवर कीजिएगा। स्टेप्स ऐसी रहेंगी, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखने के बाद आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके बाद आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहे तो शुरू में भी दे सकते हैं और डेफिनेशंस तो आपको पता ही है। और इंडिया की हिस्ट्री ज़रूर दीजिएगा कि 1983-86 और फिर 88 से 93 के फिनोमिना में इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका कंक्लूजन यही दीजिएगा कि ये एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, क्रांतिकारी कदम है जो मैनेजमेंट के हाथ में बहुत बड़ा टूल प्रोवाइड करता है जिससे टीम स्पिरिट भी बढ़ती है और मैनेजमेंट को एक्सेस कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हुई होगी। इसको आप पढ़िएगा, साथ ही इससे रिलेटेड PDF मैंने क्लासरूम में दिए हैं, उनको भी रीड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।